जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी में भले ही योगी 2.0 की शुरुआत आधिकारिक रूप से 25 मार्च से होगी, लेकिन अपराधियों पर शिकंजा तेजी से कसा जा रहा है। अपराधियों की काली कमाई पर तो बुलडोजर चल ही रहा है, लेकिन अब फरार चल रहे बदमाशों का भी एनकाउंटर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में वाराणसी में दिन दहाड़े 2 लाख के इनामी मनीष सिंह सोनू को मार गिराया गया है। और इस एनकाउंटर के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी हो रही है। बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध पर लगाम के नाम पर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के शासन में लगातार अपराधियों के खिलाफ भी अभियान चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कामयाब जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, और अब इस खूंखार अपराधी के एनकाउंटर के बाद जनता के बीच काफी उत्साह है। और ये उत्साह नजर आता है जब एसटीएफ के जवानों को जनता ने फूल मालाओं से स्वागत किया और नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ललित राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको बता दें कि 2 लाख के इनामी मनीष सिंह सोनू को यूपीएसटीएफ ने वाराणसी के लोता इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया है। एनडी तिवारी हत्याकांड समेत कपसेटी में 10 लाख की रंगदारी समेत कई अन्य मामलों में मनीष सिंह सोनू वांछित था। उस पर जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बीते दिनों ही मनीष सिंह सोनू पर यूपी पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाते हुए 2 लाख कर दी थी। वो कई महीनों से फरार चल रहा था। नवंबर 2020 के बाद से ही पुलिस मनीष सिंह सोनू की तलाश में थी, लेकिन वो हाथ नहीं लग रहा था। यूपी पुलिस के मुताबिक मनीष बिहार और नेपाल में ठिकाने बदल कर रह रहा था। करीब 1.5 साल बाद अब यूपीएसटीएफ को मनीष सिंह सोनू की लोकेशन वाराणसी के लोता इलाके में मिली थी, और इसके बाद यूपीएसटीएफ ने मनीष सिंह सोनू को घेर लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मनीष सिंह सोनू ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया।